मैं आज उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है कि नौकरी में जिसको अन्याय हुआ है जांच कराई जाएगी और उनको न्याय दिलाया जाएगा। आप मुझे बताओ भाई, सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 जो सामान्य लोगों को नौकरी के लिए जरूरत होती है, क्लर्क की नौकरी हो, हेड कांस्टेबल की नौकरी हो, पीएसआई की नौकरी हो, ये सब वर्ग 3 और 4 की नौकरी होती है, ड्राइवर हो, प्यून हो, और सरकार में 90% से ज्यादा यही लोगों को नौकरी होती है, यही काम होते हैं, नर्सिंग का वगैरह। अब आप बताइए, जब 100 लोगों की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो 1-2 लाख लोग अर्जी करते हैं, फिर उसका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद कुछ लोगों का इंटरव्यू निकलता है, और इंटरव्यू आने के बाद वो लड़का घर घर जाता है, किसी की पहचान है क्या, बेटे को इंटरव्यू आया है, कोई पहचान है क्या, और फिर बिचौलिए आ जाते हैं, अच्छा आपके बेटा का इंटरव्यू आया है, नौकरी चाहिए, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। गरीब विधवा माँ को लगता है कि चलो बेटे को कहीं नौकरी मिल जाए, वो अपना पुराना घर भी गिरवी रख देती हैं, गरीब किसान अपनी जमीन गिरवी देख देता है, माँ अपना मंगल सूत्र गिरवी देख देती हैं ताकि बेटे को कहीं रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ, मेहनत कस इंसान के साथ ये जोर जुल्म है कि नहीं है? अकेले जी आपका काम नहीं है, यह आपका कारनामा है, यह आपका कारनामा है जो जुल्म करता है। अच्छा इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, 3-4 लोग बैठे होते हैं, जो इंटरव्यू देने जाता है वो अंदर आता है, मुंडी देखता है, 30 सेकंड में कोई पूछ लेता है नाम क्या, कोई पूछता है कहां से आए हो, कोई कहता है कहां रहते हो, 30 सेकंड में वो निकल जाता है। मुझे बताइए भाई, 30 सेकंड में आपको पता चल जाता है क्या कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या ताकत है, पता चलता है क्या? ये सब फरेब है कि नहीं है, ये लोगों के साथ धोखा है कि नहीं है? हमने आकर के एक काम कर दिया, भारत सरकार ने निर्णय कर दिया कि वर्ग 3 और 4 उसकी नौकरी के लिए आपके पास आपके एग्जाम का जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और कंप्यूटर तय करेगा कि पहले 100 कौन है, पहले 200 कौन है, पहले 1000 कौन से हैं, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा सीधा उसको ऑर्डर चला जाएगा। भाइयों आप मुझे कहिए, भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? सच्चे और इन लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई बेईमानी चलेगी क्या? मैंने अखिलेश जी को कहा कि भाई भारत सरकार ने लागू किया है, आप भी करो, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? भाइयों बहनों मैं आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू कर देंगे ताकि ईमानदार लोगों को रोजगार मिल जाए। भाइयों बहनों अपराध होते हैं, लेकिन पुलिस थाने में पीड़ितों की सुनवाई नहीं होती है, अपराधियों का जय जयकार होता है, ये उत्तर प्रदेश के थानों का हाल है। भाइयों बहनों ये ऐसे थाने बना दिए गए हैं जहां पर
गुंडागिरी करने वाले राज्यों के पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सपा के नेता वही जाकर के बैठ करके किसके पर जुल्म करना, किसके पर जुल्म न करना उसके फैसले करते हैं भाइयों, अदालत बिठा देते हैं पुलिस थानों में। यह स्थिति बदलने के लिए यह आपके पास मौका आया है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए ये दो कुनबे इकट्ठे आए हैं, ये दो कुनबे अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के अलग अलग बातें करते हैं। आप मुझे बताइए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है, चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव है कि नहीं है, तो पुरानी सरकार ने अपना हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन आप इन नेताओं को देखिए, जहां भी जाते हैं दोनों मोदी ऐसा है मोदी वैसा है, मोदी ये बोला मोदी वो बोला, मोदी ने ये किया मोदी ने वो किया। अरे भाई चुनाव उत्तर प्रदेश का है, 5 साल आपने काम क्या किया जरा इसका तो हिसाब दो। मोदी ने क्या किया वो जनता मोदी को जानती है, जनता 2019 में तय करेगी। लेकिन भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, हमारे में से किसी को भी हमारी सेना पर शक है क्या, हमारी फौज पर शक है क्या, सीमा पर जान की बाजी लगाने वाले हमारे फौजियों पर कोई शक है क्या? सीमा पार जाकर के हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुश्मनों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कैसे हुआ, कैसे आए, कितनों को मारा, कैसे चले गए, दुश्मन अभी भी होश में नहीं आया। और यहां वाले, यहां वालों ने शुरू कर दिया, सबूत क्या है? आप मुझे बताइए भाइयों, क्या सबूत मांगा जाता है क्या? भाइयों बहनों आज मैं बदायूं की धरती से एक खुशखबरी पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारा देश कितना पराक्रमी है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। रात में हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा पराक्रम कल रात को किया है, अब ये लोग मेरे से उसका भी सबूत मांगेंगे। आज दुनिया में मिसाइल से लड़ाइयां होने की संभावनाएं देखी जाती है, हर कोई मिसाइल बनाता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो वहां से उड़ करके हमारे अंडमान निकोबार तक जा सकती है, उधर इजराइल तक जा सकती है, मार कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सब लोग मिसाइल बना बना करके डरा रहे हैं, भारत भी मिसाइल की दुनिया में ताकतवर देश है। लेकिन उससे बड़ा काम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कल रात को कर दिया। आसमान में 150 किलोमीटर के भी ऊपर अगर कोई मिसाइल आती है दुश्मन की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई कि 150 किलोमीटर हवा में भी उसको राख कर दिया जाएगा। और सफलतापूर्वक मैं मेरे देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, आज सुबह सुबह सफलतापूर्वक उस काम को कर दिया है भाइयों। और दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये ताकत है, सिर्फ 4-5 देश हैं। आज भारत का नाम, भारत के वैज्ञानिकों का नाम जुड़ गया। भाइयों बहनों जोर से तालियां उन वैज्ञानिकों के नाम पर बजाइए, वीरता का काम किया है।